Hello students, how are you? Today we are going to learn English standard nursery. So students, today we teach about letter L. How to write capital letters L for lamb or you can say L for lawyer. Okay? तो हम कह सकते हैं L for lamb, L for lawyer. तो चलिए ये letter किस तरह लिखते देखेंगे. So firstly open your notebook of English. Okay? तो ऊपर की जो three lines है इसे use करते वक्त हमें यह जो लेटर लिखना है स्टूडेंट्स बहुत इजी है. फर्स्ट एक स्टैंडिंग लाइन, देन यहाँ पे स्लीपिंग लाइन. एल फॉर लैम्प, यहाँ पे मैंने लैम्प निकाला इसलिए लैम्प कहूंगी. ओके, इस तरह से एल फॉर लैम्प, एल फॉर लैम्प, बहुत इजी है स्टूडेंट्स. एल फॉर लैम्प, इस तरह से आपको कैपिटल एल लेटर लिखना है. एल फॉर लैम्प लेना है, देख के नीचे कॉपी करना है. ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से एल फॉर लैम्प, L for lamb, L for lamb, L for lamb. इस तरह से ये लेटर लिखते हुए आपको कहना है. फिर से देखिए यहाँ पे L for lamb, L for lamb, L for lamb, L for lamb. ऐसे कहते हुए लिखना है. L for lamb, L for lamb, L for lamb. देखिए मैं लिख रही हूँ, साथ में कह रही हूँ मैंने क्या लिखा है. वैसे आपको कहना स्टूडेंट्स एल फॉर लैम्प. ऐसे कहते वक्त जो है कि आपको एल लेटर लिखना है, तो आपके नोटबुक का जो है ऊपर हेडिंग में क्लास वर्क एल फॉर लैम्प का पिक्चर ड्रॉ करना है और एक पेज आपको कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स. ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ वी टीच. सो ओपन यूर टेक्स्ट बुक अल्फाबेट कैपिटल लेटर्स. यहाँ पे हम टेक्स्ट बुक में देखेंगे एल ए लेटर किस तरह लिखते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लॉयन का पिक्चर दिया है, यहाँ पे देखिए हम डॉटेड लाइन दी है और यहाँ डायरेक्शंस बताई है. इस तरह से हमें एल ए ड्रॉ करना है, लिखना है इस तरह से. एल फॉर लैम्प, या यहाँ पे लॉयन है तो हम लॉयन भी कह सकते हैं. एल फॉर लॉयन, एल फॉर लॉयन, एल फॉर लॉयन. ओके, यहाँ पे देखिए से एंड राइट, कहो और लिखो. ठीक है, देखिए यहाँ पे एल निकाल के दिया है, इसे हम ट्रेस करेंगे. इसे कहेंगे एल फॉर लॉयन, क्योंकि यहाँ पे लॉयन का पिक्चर है. एल फॉर लॉयन, 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 एल फॉर लॉयन. ऐसे कहते वक्त आपको ये प्रॉपरली ट्रेस करना है स्टूडेंट्स. एल फॉर लॉयन कहना है. यहाँ पे देखिए इसे हम ट्रेस करेंगे, एल फॉर लॉयन कहना है. या पेरेंट्स से इसे आप डॉट दे सकते हैं, जो स्टूडेंट्स है इसे राइट करेंगे इस तरह एल लिखेंगे, एल फॉर लॉयन कहेंगे. यहाँ पे भी जो है कि डॉटेड लाइन दी हुई है, इसे हम ट्रेस करेंगे, एल फॉर लॉयन कहेंगे. ओके, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आपको इस तरह लिखना है, डायरेक्टली लिखा तो भी चलेगा, एल फॉर लॉयन कहना है. यहाँ पे भी हम कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स, एल फॉर लॉयन, एल फॉर लॉयन, एल फॉर लॉयन. ऐसे कहते हो आपको ये राइट डाउन करना है. पेज नंबर 20 आपको टोटली कंप्लीट करना है. तो जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के पेजेस आपको कंप्लीट करके इसके फोटोज मुझे सेंड करने हैं. अब हम नेक्स्ट टिप्स पे देखेंगे 29 पेज पे. तो चलिए देखते हैं यहाँ पे भी जो है कि स्टूडेंट्स आपको लिखना है. यहाँ पे एल ए लेटर है. ओके, इसे फर्स्टली हम जो है कि ट्रेस करेंगे, एल फॉर लॉयन कहेंगे, क्योंकि लॉयन का पिक्चर है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे. एल फॉर लॉयन, 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 एल फॉर लॉयन. ऐसे कहते हुए लिखना है एल फॉर लॉयन, एल फॉर लॉयन, एल फॉर लॉयन. तो ये कहते वक्त आपको ये टोटली एक पेज दिया हुआ है, पेज कंप्लीट करना है. नेक्स्ट दिया है स्टूडेंट्स यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन से, राइट हॉर्स कम बिफोर, यानी जो ये लेटर्स आपको दिए हुए इसके पहले आने वाले जो लेटर्स है बिफोर, उससे पहले आने वाले वो हमें लिखने हैं. जैसे कि यहाँ पे बी है, तो स्टूडेंट्स बी के पहले ए आता है, तो आपको यहाँ पे ए लिखना है. नेक्स्ट यहाँ पे है F, तो F के पहले आता है E, तो यहाँ पे E लिखना है. ठीक है, यहाँ पे है J, यहाँ पे देखिए जो J दिया हुआ है, यहाँ पे हम I लिखेंगे उससे पहले आने वाला. यहाँ पे जो है D दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे C लिखेंगे उससे पहले आने वाला. देन है यहाँ पे H दिया हुआ है, तो G लिखेंगे उससे पहले G आता है. ठीक है, और यहाँ पे देखिए L दिया है,
तो यहाँ पे हम के लिखेंगे, की फॉर काइट। ओके, इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक है, पेज नंबर 28-29 कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज हमने एयर लेटर देखा है किस तरह लिखते हैं, उसका होमवर्क करना है आपको। फोर पेजेस, फोर से भी ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे लैम का पेजेस निकल है, आपको भी निकालना है और एयर जो लेटर है लिख के इसका होमवर्क करना है। इस तरह से एक इसमें से फोर ही लेटर होने चाहिए। एल फॉर, यहाँ पे मैंने लैम निकाल इसलिए लैम कहूंगी। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको ये कंप्लीट करना है, या पेरेंट्स ऊपर की जो लाइन होती है आप लिख के दे सकते हैं, स्टूडेंट जो देख के नीचे कॉपी करेंगे। एल फॉर लैम्प, एल फॉर लैम्प, एल फॉर लैम्प, ऐसे कहते हुए आपको ये कंप्लीट करना है। इस तरह से देख के नीचे लिखना है स्टूडेंट्स आपको। एल फॉर लैम्प, एल फॉर लैम्प, एल फॉर लैम्प, ऐसे कहते हुए आपको ये कंप्लीट करना है। ईयरली लेटर एल फॉर लैम्प, एल फॉर लैम्प, एल फॉर लैम्प, इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। एल फॉर लैम्प देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो होमवर्क आप कर रहे हैं फोर पेजेस, जो मैंने क्लास वर्क में सिखाया है वो वन पेज। ओके, होमवर्क के फोर पेज, टोटल फाइव पेजेस हो गए। साथ में जो है टेक्स्टबुक के दो पेजेस, यानी सेवन पेजेस। ओके, सेवन पेजेस आपको ईयरली लेटर लिखना है, एल फॉर लैम्प देना है। ओके, देन जो है कि उसके फोटोज मुझे सेंड करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टॉप हियर, थैंक यू।